जाफराबाद तालुका में नागेश्री गांव से लुसनपुर की ओर जा रही सड़क काफी खस्ता हाल स्थिति में है। दरअसल ये सड़क इतनी ज्यादा खस्ता हाल है कि यहाँ से आवाजाही करना भी काफी दिक्कतों भरा रहता है। इसके साथ ही किसानों को उनकी फसल लाने ले जाने में भी काफी दिक्कतें होती है और साथ ही यहाँ से कोई भी बड़ा वाहन भी नहीं गुजर पाता है। ऐसे में स्थानीय और खासकर किसानों की ओर से ये मांग उठ रही है कि इस सड़क को जल्द से जल्द ठीक करवाया जाए। हालांकि तंत्र की ओर से अभी तक इस मामले में कोई भी सुध नहीं ली गई है और काफ़ी वक्त से इस सड़क को मरम्मत के लिए लाने का ख्याल भी प्रशासन के दिमाग में नहीं आया है। हालांकि अब किसान काफ़ी रोष में है और उन्हें जो दिक्कतें हो रही हैं उसके सामने जल्द से जल्द इस सड़क को ठीक करवाने की मांग सभी की ओर से की जा रही है। आ रस्ता माटे सरकार श्री माजे रजूआत करी थी, सरकारे जॉब नंबर आपी दीधो, छता आ रस्ता नु काम आज नी तारीख सुधी में चालू नथी थयुं अने आ रस्ता ने हिसाबे ओसा मोसा असंख्य खेडूतोनो पाकेलो माल हजी सीम में पीड्यो छे अने आ रस्ता उपर ओजार दादा नु भव्य मंदिर आवेलू छे अने दर वर्षे ठेठ राजूला थी लई अने बॉम्बे सुधी ना ओजा ज्ञाति ना ब्राह्मणों से दर वर्षे या यज्ञ करवा आवे। आज रस्ता न होवाने कारणे दर वर्षे एनो यज्ञ માં વિઘ્ન આવતું હોય એવું લાગે છે અને આ રસ્તો તાત્કાલિક બને એવી મારી નમ્ર અપીલ છે। બોલો આ સાહેબ, અમારે આ 10 વર્ષ થી અમે ખેડૂત બધા હેરાન થઈ છે, બરોબર? આમાં 10 વર્ષ થી એમ કે જોબ નંબર આવી ગયો, સરકારશ્રીને નમ્ર વિનંતી કે કામ ચાલુ કરે, અમારો બધાનો પાકેલો માલ છે, ખેતર પીડ્યો છે, બરોબર? માલઢોર હાલે એમ નથી, ઢાંઢા ગાડી હાલે એમ નથી, અમારા સ્વ ખર્ચે અમે જેસીબી લાવી આ 5-10 વર્ષ થી હેરાન થાય છે, 10 વર્ષે અમારા સ્વ ખર્ચે અમે રસ્તો કરીએ છીએ, બરોબર? અને દર વર્ષે અમારે થાય, અમારે અત્યારે પાકેલો માલ છે, હુકી ખેતી છે, સાઈડમાં આગળ છે, ઓઝારિયા દાદાનું મંદિર છે, ન્યાય એટલા એ બધા ભૂદેવો હેરાન થાય છે, અમે હેરાન થઈ છીએ। સરકારશ્રીને અમારી નમ્ર અપીલ છે કે ભાઈ આમાં કંઈક ધ્યાન દોરે ને કંઈક આનું વહેલી તકે વહેલામ વહેલી તકે કામ પૂરું કરે એવી સરકારશ્રીને નમ્ર અપીલ। અબ ખબરો સે લગાતાર અપડેટ રહેના હુઆ આસાન, બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप Google Play Store और App Store से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।